दोस्तों इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से रिलेटेड हर एक सवाल को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, यानी इसमें आप जो भी पैसा जमा करोगे वो आपका पैसा 100% सेफ है, क्योंकि आप पैसा जमा कर रहे हो सीधा सीधा भारत सरकार के पास। दूसरी चीज, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी तक चल रहा था 7.6%, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर अब कर दिया 8%। अब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट सरकार क्यों लेके आई, इसका क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव था सरकार का? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जिस भी पेरेंट के पास, यानी गर्ल चाइल्ड है, वो आज अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करना शुरू करे, ताकि जब गर्ल चाइल्ड बड़ी हो जाएगी, जब हायर एजुकेशन का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे अच्छे से वो पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड को हायर एजुकेशन दे सके। दूसरा कारण ये है कि जब गर्ल चाइल्ड बड़ी हो जाएगी तो पेरेंट्स के पास इतना पैसा हो कि वो अच्छे से अपनी गर्ल चाइल्ड की शादी करवा सके। तो यानी ये दो कारण थे, यानी एक तरह से ये जो स्कीम है ये गर्ल चाइल्ड के लिए बेसिकली सरकार ने खोली, कि पेरेंट्स आज धीरे धीरे करके अपना पैसा अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए जमा करना शुरू करते। अब यहां पे अगर हम इस पूरी स्कीम को, यानी जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, अगर मैं इसको पूरा ढंग से देखूं तो इसके सारे ही प्लस पॉइंट है। इंटरेस्ट भी ज्यादा है, पैसा सेफ भी है क्योंकि सरकार के पास जमा हो रहा है, लेकिन दो ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसको हम वीडियो के अंत में ही डिस्कस करेंगे। ये जो दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स देखने के बाद बंदा चार बार सोचता है कि अब इसमें खोलूं या ना खोलूं, बाकी आपकी आपकी चॉइस है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली है क्या। देखो अब यहां पे ये जो स्कीम है ना, ये पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि खुलवा कौन सकता है। तो किसी के घर में भी जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 1 दिन से लेके 10 साल के बीच में होनी चाहिए, सिर्फ वही पेरेंट्स ही गर्ल्स अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो किसी की जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज अगर 10 साल और 1 दिन भी हो जाती है तो वो पेरेंट भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को नहीं खुलवा सकते। अच्छा, उसके अलावा ये 21 सालों के लिए ये स्कीम है, ठीक है, 21 इयर्स की स्कीम है। सरकार ये बोलती है कि आपको जो पैसा है ना वो सिर्फ 15 साल तक ही भरना है, और जो अगले 6 साल है इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं भरना, बस 15 सालों में जितना भी आपने पैसा यहां जमा कर दिया ना उसके ऊपर बस ब्याज लगता चला जाएगा अगले 6 सालों के लिए। ठीक है, आपको कोई नया पैसा जमा नहीं करना। इसके अलावा कम से कम आपको 250 रुपए साल भर में जमा करने जरूरी है, और साल भर में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर आपको ना EEE का बेनिफिट भी मिलता है। अब EEE क्या है? Exempt, यानी कहने का मतलब जो पैसा आप जमा कर रहे हो, यानी साल भर में आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट मिल जाएगा, यानी जो पैसा आप जमा कर रहे हो उसमें भी एग्जेम्प्ट है। उसके बाद जो पैसा आपका ब्याज लग रहा है, यानी जो पैसा आपका पड़े पड़े ग्रो हो रहा है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। और इसके अलावा जब मैच्योरिटी हो जाएगी और आप अपना सारा का सारा पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सरकार से वापस लोगे उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी वो भी एग्जेम्प्ट है। यानी तभी इसे हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट, यानी एक तरह से बहुत अच्छा है। अगर हम नॉर्मल एक एफडी करवाते हैं तो एफडी पे जो हम ब्याज कमाते हैं वो हमारी इनकम मानी जाती है, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। लेकिन इसके अंदर देखो, जो मैं पैसा जमा कर रहा हूं उस पे मेरे को टैक्स रिबेट भी मिल रहा है, मेरा पैसा ग्रो हो रहा है उस पे भी टैक्स रिबेट मिल रहा है, और जो मुझे फाइनली पैसा मिलेगा इकट्ठा एकदम, तो उसके ऊपर भी मुझे कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना। अब एक सवाल ये भी आता है कि भाई इतनी लंबी स्कीम है, आपने कहा कि भाई 21 सालों की स्कीम है, मान लिया 15 साल में पैसा भरना है उसके बाद 6 साल तक कोई पैसा नहीं भरना, बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन अगर मान लो इन बिटवीन मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, मान के चलो कि आज मैंने ये अकाउंट खोला, मेरे को मान लो 6 साल इस अकाउंट को हो गए खोले, तब पैसों की जरूरत पड़ गई, तो क्या बीच में प्री मैच्योर में पैसा निकाल सकता हूं, क्या मैं इसके अगेंस्ट लोन ले सकता हूं? तो देखो, इस सवाल का जवाब ये है कि लोन तो आप नहीं ले सकते। जैसे पीपीएफ जो अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अगेंस्ट हम लोन ले ही नहीं सकते, लोन लेने की फैसिलिटी है ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्कीम है ये बोलती है कि आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये है कि 21 साल के बाद ही विड्रॉ होगी, नॉर्मल केस तो यही है। लेकिन अगर मान लीजिए गर्ल चाइल्ड 18 साल की हो जाती है, और अगर मान लो, क्योंकि 18 साल से पहले तो गर्ल चाइल्ड की जो गर्ल है उसकी शादी करा ही नहीं सकते, लेकिन 18 या 18 साल के बाद कभी भी आप ये चाहते हो कि अब गर्ल चाइल्ड की शादी करनी है, तो उस टाइम पे आप अपना पूरा पैसा निकलवा सकते हो, ठीक है जी। लेकिन दूसरा केस ये है कि मान लो गर्ल चाइल्ड को हायर एजुकेशन के लिए भेजना, तो उस टाइम पे हायर एजुकेशन के पर्पस के लिए जितना भी पैसा आपने जमा किया उसका 50% आप निकलवा सकते हो, लेकिन उसकी शर्तें दो है, या तो गर्ल चाइल्ड 18 साल की हो जानी चाहिए, या फिर गर्ल चाइल्ड ने 10th क्लास पूरी कर ली, मतलब कर ली हो, तभी आप 50% पैसा निकलवा सकते हो। अच्छा, एक तीसरा केस ये भी है
कि अगर मान लो गर्ल चाइल्ड की किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब एक ना तबियत वबियत खराब हो जाए, सीवियर कंडीशन आ जाए और मेडिकल के लिए पैसा चाहिए कि इलाज करवाने और पैसा चाहिए, तो उस केस में आप कभी भी इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को पूरा बंद करके पैसा निकलवा सकते हो। लेकिन लेकिन इसकी मतलब आप यही कह लो कि 5 साल से पहले पहले तो आप 1 रुपया भी नहीं निकलवा सकते, भले ही कितनी ही ज्यादा जरूरत हो आपको पैसों की। यानी ये स्कीम ये बोलती है कि आज अगर आपने इस स्कीम को खोल लिया तो 5 साल से पहले पहले तो आप 1 रुपया भी नहीं निकलवा सकते, 5 साल के बाद ही इन कंडीशंस को आप फुलफिल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और होती है कि सुकन्या समृद्धि योजना, मैंने आपको बताया कि 21 सालों के लिए ये अकाउंट खुलता है। 21 साल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब गर्ल चाइल्ड जब गर्ल चाइल्ड 21 साल की हो जाएगी तब मैच्योर होगी। 21 साल का मतलब ये है कि अगर मान लो आज गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल है और आप सोच रहे हो कि चलो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलते हैं, तो 21 साल यानी जब गर्ल चाइल्ड 31 ईयर की हो जाएगी तब जाकर के ये आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है ये जाकर के मैच्योर होगा। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि मान लीजिए आज अगर आपके घर में बिटिया का जन्म हुआ है ना, तो आप कोशिश करो कि विद इन वन ईयर आप इस अकाउंट को खुलवा ही लो, ताकि जब वो 21 साल की होगी उस टाइम भी आपके सबसे ज्यादा खर्चे होंगे, क्योंकि जब वो 21 साल की एज में पहुंचेगी तभी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा आपको, तभी आप उसके 2-4-5-6 साल के बाद जैसे जैसा भी मतलब आपके घर का माहौल है उसके बाद ही आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी कि उसकी शादी भी आपको करनी। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जिस दिन आपके घर में बिटिया पैदा हो रही है, ठीक है, जैसे ही जिसके भी घर में बिटिया पैदा हुई है, तो ज्यादा देरी मत करो, वेट मत करो कि जब बिटिया 4 साल की हो जाएगी 5 साल की हो जाएगी तब इस अकाउंट खोलें। अगर आपको अकाउंट खोलना है तो एज सून एज पॉसिबल आप इस अकाउंट को खुलवा लो, क्योंकि जब 21 साल बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है, तो जब बिटिया 21 साल की होगी उसी टाइम ही आपका मेन खर्चा स्टार्ट होगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप ना जिसके घर में भी क्या बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी है, उन्हें पता होगा कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, आधार कार्ड वहीं से बना देते हैं। तो जो पहला आधार कार्ड बच्चे का बनता है ना उसके ऊपर लिखा होता है बेबी ऑफ करके लिखा होता है और यहाँ पे मदर का या फादर का नाम लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद इस आधार कार्ड से ये जो आधार कार्ड है ये 5 सालों के लिए वैलिड होता है कि ये जब बच्चा 5 साल तक का हो जाता है तब तक के लिए ये आधार कार्ड वैलिड होता है। लेकिन इसी आधार कार्ड से आप कभी भी एक बच्चे का परमानेंट वाला आधार कार्ड, जैसे आपका और मेरा आधार कार्ड है, वैसे वाला आधार कार्ड भी बना सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है ये ऑनलाइन खुल ही नहीं सकता, ठीक है जी। ये खुलेगा तो ब्रांच जाके खुलेगा। अब ब्रांच में भी कहाँ खुलेगा, या तो आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो या सरकारी बैंक में खुलवा लो या प्राइवेट बैंक में खुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट बैंक में बिल्कुल भी मत समझना कि मेरा पैसा डूब डूब तो नहीं जाएगा, सीधा बस ये थर्ड पार्टी का ही काम कर रहे हैं, आपका अकाउंट भारत सरकार के पास ही खुल रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले क्या कहेंगे कि आपको ना ये वाला आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपको हॉस्पिटल वाले इनिशियली जो वो कर देते ना इनिशिएट आधार कार्ड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वही लेके आना है। यानी आपको सबसे पहला काम यही करना है, ये जो टेम्परेरी 5 सालों के लिए आधार कार्ड होता है ना, इससे आपको पहले ओरिजिनल आधार कार्ड बनवाना है। तो ये जो आधार कार्ड है असली वाला, एक तो ये लगेगा डॉक्यूमेंट में, इसके साथ साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, एक रेजिडेंशियल जो रेजिडेंस का प्रूफ है, ये तो चलो आपका जो आधार कार्ड है वही आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड एक बच्चे का चाहिए, एक आधार कार्ड आपका चाहिए, साथ में आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, और ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलेगा, ब्रांच जाके ही आपको ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि ठीक है 21 सालों की ये स्कीम है, ठीक है जी। अब मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिनिमम आपको 250 रुपए जमा करने जरूरी है, ठीक है। अब मान लो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने किसी भी साल मान लो 250 रुपए जमा नहीं किए, यानी पूरे साल भर में 250 रुपए भी जमा नहीं किए, मान लो आपने इस साल भी नहीं किए, अगले साल भी नहीं किए, 3 साल हो गए मान लो आपने 250 रुपए जमा नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एक बार के लिए टेम्परेरी जो आपका अकाउंट है ये इनएक्टिव कर दिया जाएगा। अब एक्टिव करने के लिए आपको 50 रुपए की पेनल्टी लगेगी, यानी इस साल की 50 रुपए, इस साल की 50 रुपए और इस साल की 50 रुपए, यानी 150 रुपए तो होगी आपकी पेनल्टी, प्लस ये 250 रुपए जो आपको भरने थे, ठीक है, ये आपके अकाउंट में ही जमा होंगे, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 750 रुपए ये पे करने पड़ेंगे, फिर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यानी 150 रुपए की पेनल्टी होगी और 750 रुपए आपके अकाउंट में ही जमा हो जाएंगे, फिर आपका दोबारा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब एक बार दो कारणों को देखते हैं कि क्यों सुकन्या समृद्धि योजना के जो दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो स्कीम है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2014 में सरकार ने रखा था वो रखा था 9.1% का, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इस पूरे चार्ट को देखो ना तो समय के साथ साथ सरकार इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घटाती ही चली गई। यानी अगर मैं बात करूं अभी हाल फिलहाल 1 अप्रैल 2023 से पहले पहले तक, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार घटा घटा के 7.6% पे ले आई थी,
अब दोबारा इसको थोड़ा सा बढ़ा करके अब 1 अप्रैल के बाद अगर कोई इसको खोलता है 2023 के बाद, तो अभी हाल फिलहाल 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन एक चीज आप ध्यान से समझना, मान लो 2014 में जिस भी व्यक्ति ने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला होगा, ये खुला होगा 21 सालों के लिए, ठीक है, यानी इसकी अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो 2015, 2025, 2035 में इसने मैच्योर होना, यानी जिसने 2014 में अकाउंट खोला होगा तो वो अभी तक चल ही रहा होगा। तो जब 2014 में इसने अकाउंट खोला होगा, इसने सपने सजाए होंगे, यानी सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर को भी देखा होगा, सॉरी सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर को जब इसने देखा होगा, तो इसने अपनी सारी कैलकुलेशन 9.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर दी होगी कि ठीक है मैं आज इतना पैसा जमा करूंगा, मान लो मैं हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करूंगा, तो इसने अपनी सारी कैलकुलेशन ऐसे कर दी होगी कि 9.1% का ही मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या करा, फिर कम कर दिया। आज उसका जो पैसा मान लो इस व्यक्ति ने, मान लो 2014 से लेकर के अभी तक मान लो इसने 10 लाख रुपए जमा कर दिए, ठीक है जी, अब उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो 9.1% तो मिल नहीं रहा। अब इसके जो 10 लाख रुपए हैं, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे 8% का मिल रहा होगा, लेकिन उसने अपनी जब शुरू में अकाउंट खोला होगा, जो अपनी कैलकुलेशन की होगी वो 9.1% के हिसाब से की होगी, यानी कुछ फिक्स नहीं है। मान लो अब 21 साल ना बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है, मान लो मैं आज पैसा जमा कर रहा हूं बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी लगन के साथ, हर साल 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जो है जमा कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे सरकार करके जो 8% से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पे ले आती है, मान लो तब तक मेरा जो पैसा है इसमें 20-25 लाख रुपए जमा भी मैंने कर दिया, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी ना, तो मैं पैसा निकाल सकता हूं और मुझे रखना मेरी मजबूरी ही हो जाएगी कि मुझे 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही अब पैसा सरकार के पास रखना पड़ेगा। तो कोई गारंटी नहीं है, सरकार कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार हो सकता है, सरकार घाटे में जा रही हो, नहीं दे सकती इतना ज्यादा पैसा, तो हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है सरकार 3% पे ले, हो सकता है सरकार 2% पे ले, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो इस ये थोड़ी सी चीज मेरे को सही नहीं लगती, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सरकार बोलती है कि जब आप अकाउंट खोलोगे ना, जब आपकी जो बेटी है वो 0 से 10 इयर्स की एज में है, तो उस टाइम पे सारा जो अकाउंट का हिसाब किताब है वो पेरेंट्स के पास रहेगा, पेरेंट्स ही इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। लेकिन जिस दिन जो आपकी बिटिया है वो जब 18 साल की हो जाएगी, तो 18 इयर्स के बाद पेरेंट्स का रोल हो जाता है जीरो, जो भी अकाउंट एक्टिव, जो भी अकाउंट चलेगा, अकाउंट में सिग्नेचर, विड्रो, सब कुछ जो है वो गर्ल चाइल्ड ही करेगी, पेरेंट्स का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में अगर मान लो आप शिद्दत से लगातार 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हो और एक अमाउंट आपने इकट्ठी कर दी 60 से 65 लाख रुपए की, मान के चलो, ठीक है, और ऐसे टाइम में आपका रोल हो गया खत्म, जो पेरेंट्स है उनका रोल हो गया खत्म। अब मान लो कि एक टीनेजर गर्ल है, ठीक है, आपकी बिटिया टीनेजर है, और टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा दिमाग कुछ अलग डायरेक्शंस में चला जाता है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मान लो टीनेजर एक गर्ल को ये पता चल जाए कि उसके पास 60-65 लाख रुपए उसके खुद के नाम पे, जिसको वो खुद ही एक्सेस कर सकती है, तो ये चीज थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगती कि पेरेंट्स की प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि टीनेजर जो एज होती है ना, उस वही एक ऐसी एज होती है, या तो बच्चा बहुत आगे चला जाएगा या बच्चा बहुत पीछे रह जाएगा, ठीक है, वो एक ऐसी एज होती है जब बच्चे का दिमाग इधर उधर गलत डायरेक्शन में भी जाने की संभावना होती है, ठीक है, तो ऐसी टाइम पे बच्चे को ये पता चल जाए कि मेरे पास 60-65 लाख रुपए मेरे खुद के पड़े हैं, तो ये एक्सेस पेरेंट्स के पास होना चाहिए था। ये हो सकता था कि गर्ल चाइल्ड के साइन मैंडेटरी है, ठीक है, साथ में पेरेंट्स के साइन भी मैंडेटरी है, तो ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए था, बट लॉ मेकर्स ने कुछ बनाया तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। अच्छा, अब इसके अलावा ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं थे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से रिलेटेड। बाकी एक बार हम इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के कैलकुलेटर को देख लेते हैं फटाफट से, कि अगर मैं आज इसमें कुछ पैसा जमा करूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि अगर मैं 12,500 रुपए ही जमा करता हूं सीधे सीधे, यानी कि हर महीने 12,500 रुपए जमा कर रहा हूं, तो साल भर के मैं मान लो 1.5 लाख रुपए जमा करता हूं, ठीक है, और ये पैसा मैं जमा करता हूं अगले मान लो गर्ल चाइल्ड की एज आज 1 साल ही है, और ये 2023 में मैं इस स्कीम को खोल रहा हूं, ठीक है जी, तो इस स्कीम में मैं अगले 15 सालों में पैसा जमा करूंगा 22,50,000 रुपए, क्योंकि मेरे को 15 सालों में ही जमा करना है और स्कीम मैच्योर होगी 21 साल के बाद, तो स्कीम तो मेरी मैच्योर होगी 2044 में, और मैंने यहाँ पे जो पैसा जमा किया 15 सालों में वो जमा किया 22,50,000 रुपए, तो मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 44,84,534 रुपए, यानी मैं 21 साल के बाद 2044 में, यानी अगर आज 2023 चल रहा है तो 2044 में टोटल मुझे पैसा मिलेगा 67,34,534 रुपए, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो कोई कम पैसा जमा करना चाहता है, मान लो हर महीने 5,000 जमा करना चाहता है, तो साल भर के वो जमा करेगा 60,000 रुपए, ठीक है जी। तो हमें एक बार यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा काम नहीं कर रहा,
हम यहाँ पे जो है 60,000 का फिल्टर लगा लेते हैं कि उसने साल भर में 60,000 रुपए जमा किए, तो इस केस में वो 9 लाख रुपए जमा करेगा 15 सालों के अंदर, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 17,93,000 रुपए, टोटल पैसा जो मेच्योरिटी पे मिलेगा 21 साल के बाद वो मिलेगा 26,93,000 रुपए। ऐसे करके आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो किसी को जो है हर महीने 2,000 रुपए जमा करने, ठीक है, तो साल भर में वो कितने पैसे जमा करेगा, 24,000 रुपए। तो साल भर में अगर 24,000 जमा करेगा तो 15 सालों में वो इन्वेस्ट करेगा 3,60,000 रुपए, ठीक है जी। तो ऐसे में उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 7,17,000 रुपए, और 21 साल के बाद उसको टोटल जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 10,77,000 रुपए। तो ये सिंपल सा कैलकुलेटर है, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसने सारी कैलकुलेशन की हुई है। तो आप खुद भी सुकन्या समृद्धि योजना के इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करके अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि मैं अगर हर महीने इतना पैसा डालूंगा तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।